एक रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन हमने प्रोजेक्ट किया है विद वेलोसिटी वी इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट मूव्स अनडिविएटेड तो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे जीरो है ऐसे ही एक इलेक्ट्रॉन हमने पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया वो भी अनडिविएटेड चल रहा है ठीक है सो वाट कंक्लूजनस कैन यू मेक तो जी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन पॉजिटिव वाई डायरेक्शन वगैरह की बात कर रहा है तो वैक्टर से करते हैं तो लेट्स एज्यूम आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई वैक्टर इट इज़ बी वैक्टर तो दोनों ही केसेस में इस पर नेट फोर्स तो जीरो है तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो दोनों ही केसेस में ठीक है चाहे वो एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें चाहे हम वाई डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें विद वेलोसिटी वी तो वी इंपॉर्टेंट है ना क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू वी वो सेम है दोनों केसेस में तो इसको लिख दो माइनस एफ ई इज इक्वल टू एफ बी है ना अब फर्स्ट केस में तो हमने इलेक्ट्रॉन जो प्रोजेक्ट किया है तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना रहेगा सो माइनस ई इंटू ई वैक्टर और ये बाहर वाला माइनस ये e रहा और मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा सो क्यू इंटू वी क्रॉस बी होता है सो क्यू इज़ माइनस ई इंटू वी आई कैप क्रॉस बी वैक्टर तो यहाँ से आ जाता है माइनस ई वैक्टर बाई वी इज इक्वल टू आई क्रॉस बी वैक्टर सिमिलरली सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए जब करेंगे तो आई कैप की जगह हर जगह जे कैप है बाकी सब सेम है सो माइनस ई वैक्टर बाय वी कम्स टू बी जे कैप इंटू बी वैक्टर तो जो भी डेटा इन्होंने क्वेश्चन में दिया है ये इन दो इक्वेशंस में हमने कैप्चर कर लिया ठीक है जी अब देखते हैं सो ई का माइनिट्यूड इज लेस देन वी इंटू बी वैक्टर तो ई और बी में रिलेशन पूछ रहा है ना तो यहाँ आई क्रॉस भी है तो हमें कुछ भी हो सकती है बी की डायरेक्शन अभी हमें आइडिया नहीं है क्या है सो ऑब्वियसली यहाँ साइन थीटा का एक टर्म आएगा अगर मैग्नीट्यूड लेंगे दोनों तरफ तो ई विल बी बी वी साइन थीटा तो ई विल बी लेस देन बी वी तो पहला ऑप्शन करेक्ट है अच्छा ये क्यों नहीं हो सकता इक्वल भी हो सकता है है ना जी ये भाई आई क्रॉस बी में आई बी अगर मतलब बी साइन थीटा लिख रहे हैं तो साइन थीटा, थीटा नाइन नाइन्टी भी तो हो सकता है मतलब थीटा नाइन्टी भी तो हो सकता है राइट तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि लट से कि है मतलब बीस परपेंडिकुलर टू तो आई कैप मान लेते हैं चलें ठीक है तो आ गया यहाँ ये तो आ गया इस केस में फिर इज इक्वल टू बी बी अब यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर भी अगर मैगनीट्यूड सेम है दोनों तरफ तो जे के भी परपेंडिकुलर होना चाहिए बी यहाँ भी फिर b साइन थीटा है। तो i के भी परपेंडिकुलर j के भी परपेंडिकुलर मतलब b का हुआ k कैप b की डायरेक्शन हुई k कैप या फिर माइनस के कैप तो k कैप इधर डालोगे तो i क्रॉस k तो आ रहा है मतलब प्लस माइनस j। और इधर j क्रॉस k आ रहा है प्लस माइनस i। तो भाई इसकी डायरेक्शन अल, अलग अलग आ गई ना उसके इसमें, समझ रहे हो तो ये तो बेसिकली दीज टू वैक्टर्स आर सेम तो अगर ऐसा है तो ये के कैप या माइनस के कैप तो नहीं हो सकता ठीक है तो मतलब ये 90 डिग्री इनके बीच में एंगल नहीं हो सकते और 90 डिग्री नहीं है तो कुछ साइन थीटा है दैट मीन्स ए ऑप्शन इज करेक्ट सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन सो दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट बाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू आई कैप एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू जे कैप तो वो क्या डायरेक्शन है वो ऑब्वियसली या तो इट्स अकोइंग टू बी पैरल टू के कैप एंड के कैप इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन ठीक है इन्होंने पूछा नहीं किसी ऑप्शन में बट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंड विल बी अलॉन्ग और मतलब पैरल या एंटी पैरल टू के कैप होगा फाइनली मैग्नेटिक फील्ड इज आई एट फोर्टी फाइव और वन थर्टी फाइव विदिटिव एक्स डायरेक्शन अच्छा इसी पार्ट एक बार पढ़ भी लेते हैं सो द फ्राम वन एंड टू

अपोजिट टू आई माइनस जे तो आई माइनस जे ये है ये है उसका उल्टा सो बी एस टू बी आईदर हेयर और हीयर सो बी इज पैरल टू आई माइनस जे सो आवर आंसर इज फील्ड इज आइर एट फोर्टी फाइव डिग्री और एट वन थर्टी फाइव डिग्री विथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन अब यहाँ लैंग्वेज का थोड़ा सा लफड़ा है क्योंकि फोर्टी फाइव डिग्री अगर आप क्लॉक वाइज देखोगे तो इस तरफ कहना चाहिए उसको तो यहाँ थोड़ा मैं भी संतुष्ट नहीं हुआ इसके ऑप्शन से सो so, ठीक है लेकिन क्या करें हम सो फोर्टी फाइव डिग्री कह रहा है तो इस तरह का फोर्टी फाइव कह रहा है वो और वन थर्टी फाइव कह रहा है तो इस तरह का वन थर्टी फाइव कह रहा है सो दे आर नॉट इन द सेम सेंस सो गिवन दैट द ऑप्शन इज डी सो आई एम एज्यूमिंग दैट इट्स ओके इट कैन बी डिफरेंट डायरेक्शन कैन बी इन डिफरेंट सेंसेस सो दिस इज़ फोर्टी फाइव दिस इज़ वन थर्टी फाइव सो दिस ऑप्शन इज़ आल्सो करेक्ट ठीक है